हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू टॉक अबाउट डॉक्टर्स। देखिए, आप सभी को पता है कि हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स की प्रॉब्लम के लिए हम अलग अलग डॉक्टर्स के पास जाते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास आईज़ में प्रॉब्लम है तो हम आई डॉक्टर के पास जाएंगे, हमारी बोन्स में प्रॉब्लम है तो हम बोन स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे। तो ऐसे ही हमारे अगर ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है तो हम क्या करेंगे, ब्रेन स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे। तो हमारी अलग अलग डिसऑर्डर्स के लिए हम अलग अलग डॉक्टर्स के पास जाएंगे, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि एक ही डॉक्टर तो सारे प्रॉब्लम ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि हर एक डॉक्टर के पास अपनी एक स्पेशलिटी होती है। तो डॉक्टर जो है अपनी स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट करते हैं, बट उनकी स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग हमने उन डॉक्टर्स को क्या टाइटल दिया हुआ है, हमें उस टाइटल के बारे में नहीं पता होता। हम सिंपली बोल देते हैं कि ये हड्डियों का डॉक्टर है, ये आँखों का डॉक्टर है, ये दिमाग का डॉक्टर है, तो ये वर्ड यूज़ करते हैं हम जनरली। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं उनके टाइटल्स के बारे में कि हमें एग्जैक्ट क्या वर्ड यूज़ करना है उन डॉक्टर्स के लिए। तो अगर आप ये वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आई कैन प्रोमिस यू कि अगर नेक्स्ट टाइम आप ये हड्डियों का डॉक्टर, आँखों का डॉक्टर, स्किन का डॉक्टर ऐसे नहीं बोलने वाले हैं, आप जो है उनको उनके टाइटल से ही बुलाने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास गायनेकोलॉजिस्ट। तो गायनेकोलॉजिस्ट कौन है, ऐसे स्किल्ड डॉक्टर्स जो फीमेल पेशेंट्स की ओवरऑल हेल्थ को देखते हैं, और मेनली ये क्या करते हैं, ये ट्रीट करते हैं फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से या फिर सेक्सुअल ऑर्गन से रिलेटेड जितने भी डिजीज होते हैं या जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ये ट्रीट करते हैं। तो उन्हें हम कहते हैं गायनेकोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्स्टेट्रिशियन। अब ऐसे डॉक्टर्स जो क्या करते हैं, बेबी डिलीवर करवाने का काम करते हैं और साथ में उस प्रेग्नेंट मदर को प्रेगनेंसी पीरियड के ड्यूरिंग और डिलीवरी के बाद भी प्रॉपर मेडिकल गाइडेंस जो है प्रोवाइड करवाते हैं। तो ऐसे डॉक्टर्स को हम कहते हैं ऑब्स्टेट्रिशियन। अब देखिए, कुछ गायनेकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो बेबी भी डिलीवर करवा सकते हैं, बट ऑब्स्टेट्रिशियन जो है उन्होंने अपनी प्रैक्टिस को लिमिट किया होता है सिर्फ प्रेगनेंसी तक और चाइल्ड बर्थ तक। नेक्स्ट इज पीडियाट्रिशियन। तो पीडियाट्रिशियन क्या होते हैं, ऐसे डॉक्टर्स जिनके पास स्पेशल ट्रेनिंग होती है फॉर द मेडिकल केयर फॉर चिल्ड्रन, जो क्या करते हैं, बच्चों की मेडिकल केयर के लिए स्किल्ड होते हैं। अब ये डॉक्टर्स क्या करते हैं, इन्होंने अपनी प्रैक्टिस को लिमिट किया होता है सिर्फ यंगस्टर्स तक, और साथ में ये बेबीज़ के लिए क्या डाइट हमें फॉलो करनी चाहिए ताकि उनकी प्रॉपरली ग्रोथ हो सके, उसके लिए भी पेरेंट्स को गाइड करते हैं। तो अगर आपके घर में जो कोई बच्चा, जो छोटा बच्चा जो है, अगर वो बीमार होता है तो आप जिस डॉक्टर के पास जाने वाले हैं उस डॉक्टर को हम क्या कहते हैं, दैट डॉक्टर इज नोन एज अ पीडियाट्रिशियन। नेक्स्ट इज डर्मेटोलॉजिस्ट। तो डर्मेटोलॉजिस्ट ऐसे स्पेशलिस्ट होते हैं जो हमारे स्किन डिजीज़ को ट्रीट करते हैं। एक सिंपल एक्ने और पिंपल की प्रॉब्लम से लेके बड़े अलग अलग टाइप की स्किन इन्फेक्शन या फिर स्किन कैंसर तक के लिए हम जिस स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करते हैं उसे हम कहते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। अब डर्मेटोलॉजिस्ट जो होते हैं उनकी प्रैक्टिस सिर्फ स्किन तक लिमिट नहीं होती, वो हमारे हेयर्स से रिलेटेड और हमारे नेल्स से रिलेटेड अगर कुछ डिजीज़ है, कुछ प्रॉब्लम है हमें, तो उसके लिए भी जो है ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवा सकते हैं। नेक्स्ट स्पेशलिस्ट जो है वो है ऑफ्थैल्मोलॉजिस्ट। ऑफ्थैल्मोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जिसे हम आई स्पेशलिस्ट या आई डॉक्टर बोलते हैं। हम सभी को पता है अगर हमें हमारे आईज से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम होती है हमारे, तो हम क्या करते हैं, एक डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, तो वो डॉक्टर ही है हमारे ऑफ्थैल्मोलॉजिस्ट। ऑफ्थैल्मोलॉजिस्ट क्या करते हैं, हमें ग्लासेस या फिर लेंसेज प्रिस्क्राइब कर सकते हैं ताकि हमारी जो आईज की प्रॉब्लम है वो ठीक हो सके, या फिर अगर रिक्वायरमेंट है तो ये सर्जरी भी परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ऑर्थोपेडिस्ट। अब ऐसे डॉक्टर जो क्या करते हैं, हमारे स्केल्टन स्ट्रक्चर से डील करते हैं, हमारी बोन्स को का ट्रीटमेंट करते हैं, उन्हें हम कहते हैं ऑर्थोपेडिस्ट। मान लीजिए अगर किसी को क्या है, जॉइंट पेन्स हैं, पेन है, या फिर हम क्या कह सकते हैं, किसी को फ्रैक्चर की प्रॉब्लम आई है, तो वो जो है वो किससे कंसल्ट करेंगे, वो किससे डील करेंगे, वो बात करेंगे ऑर्थोपेडिस्ट से। नेक्स्ट इज कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, ऐसे डॉक्टर्स
जो हमारे हार्ट के और हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर हैं उनको ट्रीट करते हैं। उनके पास स्पेशलिटी होती है हमारे हार्ट प्रॉब्लम को ठीक करने की। अब मान लीजिए किसी को हार्ट फेलियर है या किसी को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ चुकी है, तो वहाँ पे जो भी डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट करने वाले हैं, जो भी उन डॉक्टर उन्हें गाइड करने वाले हैं, वो डॉक्टर क्या उनको हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। नेक्स्ट स्पेशलिस्ट इज़ न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरोलॉजिस्ट कौन होते हैं? ऐसे फिजिशियन जो हमारे ब्रेन के, स्पाइनल कॉर्ड के या बाकी जो भी अलग अलग पार्ट्स हैं हमारे नर्वस सिस्टम के, उनके उनसे रिलेटेड डिसऑर्डर्स को ट्रीट करते हैं। या फिर हम कह सकते हैं जहाँ पर भी हमारे न्यूरल कनेक्शंस इन्वॉल्व होंगे। मान लीजिए अगर हमारी जो सेंस ऑर्गन्स हैं उनकी वर्किंग में भी हमें कुछ प्रॉब्लम फील हो रही है, कोई डिसऑर्डर है, तो उसके लिए भी हम जो बात करेंगे वो करेंगे हम बात न्यूरोलॉजिस्ट से, क्योंकि न्यूरोलॉजिस्ट के पास क्या है, स्पेशलिटी है जितने भी न्यूरल कनेक्शंस हैं उनको ट्रीट करने की। नेक्स्ट इज साइकाइट्रिस्ट। अब साइकाइट्रिस्ट कौन होते हैं? अब आई थिंक आप सभी ने इनका नाम सुना होगा, और ये हमारी सोसाइटी का एक मिसबिलीव है कि साइकाइट्रिस्ट के पास जो लोग जाते हैं वो तो सिर्फ वो पागल लोग ही जाते हैं उनके पास, बट ऐसा नहीं होता है। हमारी लाइफ में जो है अप डाउन चलते रहते हैं, और कई बार क्या होता है हम जो है मेंटली और इमोशनली काफ़ी डिस्टर्ब हो जाते हैं। मीन्स वो पर्सन जो है फिजिकली हमें हेल्दी नज़र आता है, बट वो पर्सन जो है मेंटली हेल्दी नहीं होता। तो ऐसे केस में हम जिनसे डील करते हैं वो होते हैं साइकाइट्रिस्ट। सो साइकाइट्रिस्ट क्या करते हैं, अलग अलग थेरेपीज से या अलग अलग टेक्निक्स को यूज़ करके, या अगर रिक्वायरमेंट है तो मेडिकेशन से भी क्या करते हैं, उस पर्सन की हेल्प करते हैं, उस पर्सन को ट्रीट करते हैं। तो ये थे हमारे पास अलग अलग डॉक्टर्स के टाइटल उनकी स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग। अगर आपने थोड़ा सा ध्यान से देखा होगा तो आई थिंक आपको एक या दो नेम तो अभी लर्न हो गए होंगे, और अगर आप इस वीडियो को दो तीन बार देखेंगे या फिर बार बार थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सभी नेम्स भी याद हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा वर्क है, या हमारे पास कुछ मैच द फॉलोइंग टाइप हमने क्वेश्चन प्रिपेयर किया है। एक साइड पे हमारे पास फील्ड है और एक साइड पे डॉक्टर हैं। आपने क्या करना है, उनके स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग उनके टाइटल से उन्हें मैच करना है। जैसे अगर हम बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, तो उस डॉक्टर को हम क्या कहते हैं, दैट डॉक्टर इज नोन एज गायनाकोलॉजिस्ट। तो इस तरह से आपने ये सभी के सभी मैचिंग जो है अपने आप ट्राई करने की कोशिश करनी है, ठीक है। और अगर आपने ये वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखी है तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो किसी भी डॉक्टर के कैबिन के बाहर उस डॉक्टर के नाम को पढ़ने के साथ साथ आप उसकी स्पेशलिटी भी ज़रूर पढ़ने वाले हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।